हेलो डियर एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिशन लेना है द बी फार्मेसी एंड डी फार्मा कॉलेजेस। स्पेशली इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें डायरेक्टली इजीली जिस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, दिस इज कॉल्ड डिफचार, ओके, एंड दिल्ली पैरामेडिकल साइंस जो भी डिपार्टमेंट है, ओके। सो इसका क्या प्रोसेस है भैया? बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि क्या होता है, क्या एंट्रेंस होता है, कैसे होता है दिल्ली पैरा मेडिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। सो क्या है, क्या सारा सीन है, वो 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं और कितना कट ऑफ रहने वाला है, और एडमिशन का बेसिस क्या है भैया? क्या एडमिशन CUET के थ्रू होने वाला है, क्या नीट के थ्रू होने वाला है, किसके मार्क्स चाहिए इसके लिए? सो चलिए देख लेते हैं। ओके सर, जो है दिस इज एन गवर्नमेंट कॉलेज जो कि दिल्ली है, ठीक है, UT है एक उसका, जो है ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। सो इसमें जो है मतलब जस्ट लाइक उतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन पर नहीं है, लेकिन दिल्ली का बहुत अच्छा कॉलेज है, ओके, 55 ऐसे कुछ है ना, या रफ रैंकिंग है इसकी। इसके अंदर बेसिकली जो है ये दिल्ली पैरामेडिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी, जिसका हम दिपसार बोलते हैं, इसके अंदर जो है दो कॉलेज आते हैं, ठीक है, एक एक को हम बोलते हैं स्कूल ऑफ जो भी है, एक को बोलते हैं हम दिल्ली पैरामेडिकल, स्पेशली जो है फार्मेसी पे कंस्ट्रक्टेड है दोनों, ठीक है। इसमें जो एडमिशन का बेसिस है वो ना तो नीट है ना ही CUET है, वो है डायरेक्टली 12th बेसिस, यानी कि आपके जो 12th में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है इसमें, ओके। सो इसके लिए आपको जो है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो है दिपचार अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करने लग जाए, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा ही सीन है कि ये जो है डायरेक्टली एडमिशन देता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि भैया वेबसाइट पे क्या लिख रखा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी कंजस्टेड सिस्टम्स है, एंड प्लेसमेंट क्या सीन रहने वाला है इसमें, और एडमिशन का क्या सारा सीन है, एंड बहुत सारे यार इसमें जो है फ्रॉड होते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, स्पेशली एडमिशन एजेंट्स जो कि यूट्यूब पर अपना फेस तो दिखाते नहीं है और आके कुछ भी बोल देते हैं कि भैया हम जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये देखिए ये हम वाइस चांसलर के आगे मैं बैठा हूँ, एंड हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप हमारा 10,000 का, 300 का, 500 का, 1,00,000 का, और हम आपका 100% एडमिशन करा देंगे, और जो है आपने अगर हमारा सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जो है आपका 100% एडमिशन होगा ही होगा। भाई अगर मैं फेल हूँ सब्सक्रिप्शन ले लिया तो क्या एडमिशन होगा? सर आप ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए जो कि आपको विदाउट एनी फेस यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे। सो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड कर रहे हो कोई लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है ऐसी कि भैया हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, तो आप इनसे सावधान रहिए। अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कि भैया हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आने वाले हैं, स्पेशली UG के जो कैंडिडेट है वो, ओके। सो जस्ट आप जो है दिपचार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन पेज पे जाते हैं तो आपको 2 मई का एक नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग द UG के कि भैया आपके जो फॉर्म है वो जल्द ही आ रहे होंगे, लेकिन अब भैया जल्द ही कब आ रहे होंगे, एटलीस्ट क्या डेट है जब तक आपके जो है अप्लीकेशंस आ जाएंगे? सो यार जो है जनरली इसके जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो जुलाई के अंदर रिलीज होते हैं, तो आप जस्ट वेट कर सकते हो टिल सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक जो है आपके दिपचार के एडमिशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो घोषित कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली बिहार वगैरह से आते हैं, सो जस्ट जो है आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग हंसेंगे कि भैया ऐसे क्या कर रहे हो, यार आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड लास्ट 3 ईयर्स, और आप यूट्यूब पर बहुत हिस्टरी देख सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, एंड आपको कोई अगर ईमेल आता है इसके रिगार्डिंग कि आपका मैं दिपचार में एडमिशन करा दूंगा तो डोंट ट्रस्ट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम चलता है इसमें इसके बेसिकली क्या होता है एडमिशन का, यार जैसे मेरा एडमिशन हो चुका है दिपचार के अंदर, मेरा किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, तो मैं दिपचार छोड़ के अदर में चला गया तो वहाँ पे वो सीट वैकेंट रहेगी, तो वहाँ पे जो है सीट भी फिलिंग करा दी जाती है बाद में, जब भी एडमिशन का लास्ट मोमेंट होता है उस टाइम पे भी सीटें फिलिंग होती हैं, तो जैसे आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया आप भी फ्रॉड कर रहे हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार जो है इसके अंदर भैया OBC का क्या सारा सीन है, क्या हमें कैटेगरी के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं स्पेशली PWD कैटेगरी, ठीक है, एंड
एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि फिजिकली हैंडीकेप है, ठीक है। अब और अगर अपन आगे बढ़े भैया, जो उसका क्या रेशियो होने वाला है एडमिशन रेशियो, सो जो है 85% सीटें जो है दिल्ली यूटी के, या फिर जो बच्चे दिल्ली स्कूल से पढ़े हैं या फिर दिल्ली मॉडलिंग स्कूल से पढ़े हुए हैं यानी कि दिल्ली एरिया से, वो एलिजिबल है 85% के अंदर। एंड जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए 15% सीटें हैं। अब एक बात हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वालों की, या जिन स्टूडेंट के पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, ओके, यानी कि जस्ट अगर आप राजस्थान से हैं और आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है एंड दिस इज वेरीफाइड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, देन यू आर एलिजिबल इन दिफ्सार ओनली एंड ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और अगर पास आपके पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओबीसी कैटेगरी इन दिफ्सार, समझ रहे हैं आप, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी का होना, अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट वो वेरीफाई होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं जस्ट यूपी से हैं तो वो यूपी गवर्नमेंट से वेरीफाई करवाता है, तो वो वैलिड नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई करा के दिफ्सार में अप्लाई करते हैं देन यू आर एप्लीकेबल। अगर आप यूपी गवर्नमेंट का वेरीफाई करवा के अगर आप दिल्ली जो भी है दिफ्सार में अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ यूपी के लिए अप्लीकेबल है। आप उस कैटेगरी में दिफ्सार के लिए जनरल कंसिडर किए जाओगे, ओके, समझ गए आप। और क्या क्वेश्चन रह गया, रही बात फीस की, तो हालांकि अभी जो कुछ फीस है इसकी कुछ प्राइजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अगर अपन इसके प्लेसमेंट की बात करें तो यार प्लेसमेंट इसका जो है काफ़ी अच्छा गया। आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हो, हालांकि जो है काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट काफ़ी हद तक गया है इसका। अगर अपन इसके कुछ पिछले सालों की अगर अपन कट ऑफ की बात करें, जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं जैसे कंपनीज जहां पे यहां से बच्चे प्लेस हुए हैं, जैसे नोवार्टिस हैदराबाद है, ठीक है, IQVA गुड़गांव है, WNS ग्लोबल सर्विस गुरुग्राम है, ZS एसोसिएट गुरुग्राम है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स हैदराबाद में कुछ बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक है, वोल्टर बसनेल गुरुग्राम है, DRG गुरुग्राम है, जियाइला गुरुग्राम है, वैसी बहुत सारी कंपनीज है, फार्मेसी कंपनीज है, ठीक है, स्किन केयर कंपनीज है जहाँ पे बच्चे प्लेस होते हैं, और स्पेशली जो ये बच्चे हैं ये ट्राई करते हैं टू फर्दर स्टडीज गुड स्टडीज, जैसे अबोट हिमाचल प्रदेश है, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी है, ओके, एंड कोग्निट्रैक्स गुरुग्राम है, बेयर्स मेड है, ओके, NPPN न्यू दिल्ली है, फोर्टिस गुरुग्राम है, पार्क हॉस्पिटल है, ओके, तुरा कोज है, फोर्टिस हेल्थ वर्ल्ड है। सो जस्ट ये है, यहाँ पे अगर अपन हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें टिल 2021 तो 8.5 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। एवरेज प्लेसमेंट फॉर PG कैटेगरी 6 लाख एंड UG कैटेगरी 5 लाख का गया। एंड यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो एटलीस्ट 65 to 70 कंपनीज विजिट करती है, एंड द नंबर ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग फॉर UG एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 150 से 160 प्लस के लिए यहाँ पे जो है कोलेब्रेशन है इसका, या फिर जस्ट इंटर्नशिप वगैरह या फिर जो भी ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स के साथ इसका टाइप है, ओके। अब अपन इसके कट ऑफ की बात करते हैं कि भैया कितने मार्क्स के कितने कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है जनरली, और इस बार जो है कितना कट ऑफ रहेगा हमारा। और सो यार जो जस्ट अगर अपन बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जुलाई के अंदर सेकंड वीक से अपन एक्सेप्टेड मान सकते हैं कि सेकंड वीक से इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे होंगे। अगर अपन इसके फ़ीस की अगर अपन बात करें तो यार फीस थोड़ी कुछ हालांकि ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है, एंड अगर अपन इसके कट ऑफ की बात करें तो जस्ट जो भी स्टूडेंट जस्ट अगर अपन फर्स्ट राउंड की बात करें तो यार फर्स्ट राउंड में जो है कट ऑफ एटलीस्ट 92-93 तक रहती है, ओके, एंड जस्ट लाइक अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, जैसे SC ST कैटेगरी के लिए अलग होती है, जो दिल्ली के लिए स्टूडेंट्स है वो जस्ट लाइक 85 एंड नॉन दिल्ली के लिए 95, ओके, तो इस प्रकार से जस्ट अगर अपन बात करें कट ऑफ की, सो जस्ट जो है ST वालों की जो कट ऑफ है वो 76-78 तक भी चली जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टिल लास्ट एंड तक वेट करना है, बिकॉज पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट के कम परसेंटाइल थे फिर भी जो है उनको प्लेस किया था और कुछ सीट वैकेंट थी तो कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो गया था, ठीक है। हमारा काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है,
एंड ये जो है हमारे पास और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं इन इंडिया, ठीक है। जस्ट लाइक पंजाब में कुछ अच्छे, काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं यार। एक और बड़ा कंसर्न था, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, आपको यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि भैया दिल्ली का एक फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और उसकी सारी की सारी सीटें वैकेंट हैं और वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और आपको उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कुछ पता नहीं चलेगा, सो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बेसिकली उसका मतलब ये निकलता है कि कोई लोकल कॉलेज है या फिर कोई एकदम घटिया कॉलेज है जो कि उसको पेड एडवर्टाइजमेंट या फिर पेड प्रमोशन कराया है उस यूट्यूब वाले से अपने कॉलेज का, ताकि वो प्राइवेट कॉलेज जो है अपने कॉलेज में एडमिशन ले सके। अगर कोई यूट्यूब वाला ये बोलता है आपको आके कि यार एक प्राइवेट कॉलेज है जिसका आपको कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और उसका नाम मुझे पता है और आप मेरी सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं आपका उसमें एडमिशन करा दूंगा, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो डोंट ट्रस्ट दिस गाइस, ठीक है। ऐसा यार हजारों भरे पड़े काउंसिल, मैं आपको जस्ट बता नहीं सकता, इतने लाखों लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे शुरू करते हैं, मतलब शुरू करने आते हैं टॉप का और बता के जाते अपनी पेड काउंसलिंग की, भैया मुझसे ये ले लो, मुझसे वो ले लो, इतने पैसे में इतना करा दूंगा। भाई नंबर ही नहीं आ रहे, तुम्हारी सब्सक्रिप्शन लेके कैसे एडमिशन करा दोगे तुम्हें? मेरे 60% आ रहा है, कट ऑफ 92% जा रही है, तो कैसे एडमिशन हो जाएगा बताइए, राइट? सो आप ऐसे दलालों से सावधान रहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों की वजह से पता नहीं कितने बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट वाले उनसे मैसेज आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया ये जस्ट पेड प्रमोशन कर दो, हमारे कॉलेज का वीडियो बना के डाल दो, और ठीक है इतने पैसे दे देंगे हम तुमको, हमारे लिए बच्चे लेके आओ, जितने बच्चे लेके आओगे एक बच्चे पे 50,000 रुपये देंगे तुम्हें, राइट? ऐसे मतलब हजारों भरे पड़े हैं कॉलेज, राइट? अगर चाहो ना तो बहुत सारे यूट्यूबर्स करोड़पति हो जाते हैं इनके चक्कर में, लेकिन क्या क्या फ़ायदा देश का, लोगों का, या फिर एक जस्ट अगर मैं बात करूँ तो यार एक परिवार जो है एवरेज आय एक फैमिली की 30,000 रुपये है, ठीक है। हमारी जो टीम है बहुत सारे बच्चों से कंसल्ट करती है और जो है एटलीस्ट 30% भी नहीं है, ठीक है, 7 से 8% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कैपेबल है फीस देने के लिए, और जो है 93% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ जुगाड़ लगा के या फिर बैंक से लोन लेके या फिर अपने जो रिश्तेदारों से लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो तुम्हारा जो जिनको जो एटलीस्ट जो यूट्यूबर्स हैं जो कि कुछ बताते हैं आके यूट्यूब पर कि भैया ये कॉलेज है, ये वो है, ये वैसा है, जो बच्चे देख रहे हैं ना उनके लिए भगवान है शायद वो, ठीक है, क्योंकि उनको उसके बारे में पता चलता है। मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आप जस्ट आपको कुछ नॉलेज तो मिल रही है ना, आपको कुछ पता भी नहीं है, अगर मैं आपको कुछ भी गलत बता दूँ तो आप तो वही मानोगे ना, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जस्ट आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और वो लोग जो ऐसा काम करते हैं कुछ कुछ पैसों के लिए, ठीक है, तो जस्ट ऊपर वालों से तो डरो कम से कम यार, ये मतलब तुम्हारी फैमिली जैसे हैं ये बच्चे, समझ रहे हो? तो प्लीज थोड़ा रहम करो, आई फुली रिक्वेस्ट यू कि ऐसे कॉलेजों का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ना करें जो कि तुम्हें कुछ पैसे देके तुम्हारी पूरी की पूरी खुशियाँ छीन लें, ठीक है। चलो भी तो ऐसे कि आँख उठा के चलो, किसी के सामने झुक के ना चलो, चाहे साइकिल पे चलो, ठीक है, फॉर्चुनर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ना तो कम से कम आँखें उठा के तो चलो, ठीक है, थैंक यू। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं दिस इज़ वेरी बैड, और ये यार ये मैं क्या ही बोलूँ अब, ठीक है।